close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we वीडियो होगी थोड़ी लंबी, परंतु अगर आप कुछ अलग जानना चाहते हैं, कुछ अलग सीखना चाहते हैं, तो एक बार हमें समय ज़रूर दें, हमारी वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, फिर कमेंट में बताएं कि कुछ अलग सीखने को मिला या नहीं। गोपाल, और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम लोग आए हैं झांसी के किले में। टेक्निकल बातों को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया से या कहीं से भी देख सकते हैं, पर हम आपको एक कहानी के तौर पर बताएंगे इस किले का इतिहास। यह किला आपको जैसे पता होगा यह झांसी की रानी का किला है, परंतु यह झांसी की रानी या पेशवा बाजीराव ने नहीं बनवाया था, यह बनवाया था महाराजा वीर सिंह जूदेव जो कि ओरछा के राजा से। पर जब उन पर मोहम्मद खान बंगस ने आक्रमण कर दिया तो मराठाओं के साथ मिलकर उन्होंने उसको परास्त किया था। जब वह आक्रमण में मोहम्मद खान बंगस को पराजित कर देते हैं तो मराठाओं से प्रसन्न होकर राजा वीर सिंह जूदेव ने यह किला उनको भेंट कर दिया था। मराठाओं के कई सरदारों ने बारी बारी से यहाँ पर राज किया, उन्हीं में से एक थे महाराज गंगाधर राव, जिनकी पत्नी थी महारानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्ण का उनका वास्तविक नाम था, परंतु जब वह यहाँ पर आई तब महाराज ने उनका नाम लक्ष्मीबाई कर दिया। महाराज और महारानी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम दामोदर राव था, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद लिया जिसका नाम आनंद राव था, परंतु उन्होंने उसका नाम दामोदर राव ही रख दिया। आपने इस वीडियो के सिनेमैटिक शॉर्ट्स में देखा होगा ये काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ किला है, ये जिस पहाड़ी पर बना है उसका नाम है बंगरा पहाड़। देख रहे हैं आप, ये सामान्य खिड़की नहीं है, इसे झरोखा कहा जाता है बुंदेलखंडी में। यहाँ से आप पूरी झांसी के नज़ारे देख सकते हैं, मैं पास आके दिखाऊं। यही वो स्थान है जहाँ से झांसी की रानी ने अपने घोड़े बादल के साथ छलांग लगाई थी। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई, इससे दूर तक किले का मैदान है। पर्वत पर देख रहे होंगे मेजर ध्यानचंद की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। जैसा कि आपको पता
करता है। लेट्स एक्सप्लोर भारत चैनल की ये खासियत है, हम जहाँ भी जाते हैं उस जगह के बारे में तो आपको बताते ही हैं, परंतु यह भी बताते हैं कि कुछ वो जगह आपको क्या सिखाती है। जैसे कि आज हम आए हैं झांसी के किले में, आप देख रहे हैं इन भव्य किलों को, इनकी सौंदर्य और प्राचीनता तो आप देख ही रहे हैं, इनके शौर्य की गाथाएँ और यहाँ रहने वाली झांसी की रानी की शौर्य की गाथाएँ भी आपने सुनी होंगी। परंतु क्या कारण है कि यह किले खंडर हो गए? अगर हमने ये नहीं जाना, हम यहाँ पर आए और घूमकर सिर्फ अपने शौर्य और अपने वीरता की कथाओं को सुनकर आनंद लेते रहे, परंतु हमने अपनी कमी को नहीं पहचाना और ये नहीं जाना कि किले खंडर क्यों हो गए, तो आने वाले भविष्य में हम आगे आने वाली किसी तरह की चुनौतियों से दोबारा नहीं लड़ पाए। आइए कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपने एक कहानी तो सुनी ही होगी, जंगल में जब शेर सुबह उठता है तो ये सोचता है कि अगर आज मैं तेज नहीं भागा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, और उसी सुबह जब हिरण भी सोकर उठता है तो वह भी सोचता है अगर आज मैं तेज नहीं भागा तो कोई मुझे खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो दुनिया में एक नियम चलता है, फिटेस्ट द सर्वाइवल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रकृति के बदलाव के साथ अपने आप को नहीं ढाल पाते और अगर आप इस प्रकृति में फिट नहीं हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक किले खंडर क्यों हो गए? क्योंकि हम जिस शासन पद्धति और जिस राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कहीं ना कहीं आधुनिक विश्व में वह फिट नहीं थी। ये बात सही है, हमें अपनी वीरता और ऐश्वर्य और गौरव पर गर्व करना चाहिए, परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए हमसे क्या गलतियाँ हैं, और हमें आने वाले समय में अपने आप को प्रकृति के बदलते नियमों के साथ बदलाव में ढालना पड़ेगा। हम जब अपने आप को बदलाव में ढालेंगे तभी हम हमेशा सर्वाइव कर सकते हैं। आइए आपको कुछ ऐतिहासिक तत्वों से और रूबरू कराते हैं। जब मैं इस किले में आया तो मैंने सोचा कि कुछ पड़ी हुई बातों को सरल शब्दों में आपको समझाया जाए, तो मैं अपने अनुभव और अपने ज्ञान के हिसाब से आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। जब कुछ चंद अंग्रेजों ने इतने बड़े भारत पर कैसे शासन कर लिया, आप भी कभी कभी सोचते होंगे। आइए हम आपको आज बताते हैं। हम जिस दौर में झांसी की रानी को याद करते हैं, सन 1857 की क्रांति, जिसकी वह दूसरी महिला शहीद थी, पहली महारानी अवंतीबाई लोधी थी, दूसरी महारानी लक्ष्मीबाई थी, उस समय भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना का कहीं ना कहीं अभाव था। कुछ चंद अंग्रेज राजाओं को आपस में लड़ाकर इतने बड़े भारत पर शासन करने में सफल हो गए, क्योंकि हर राजा सिर्फ अपने आप को बचाने में लगा हुआ। एक तो वह पुरातन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दूसरी चीज उनमें राष्ट्रीयता का अभाव भी था। झांसी की रानी ने नारा भी दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, परंतु अगर उस समय यह भावना होती कि हम झांसी नहीं अपना भारत नहीं देंगे और सारे राजा एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते, तो किसी भी शक्ति, किसी भी विदेशी ताकत में इतनी शक्ति नहीं थी कि भारत जैसे विशाल देश को जीत पाए। हमारी एकजुटता के अभाव ने हमें सालों तक गुलाम रखा, परंतु यह दुख की बात नहीं है, यह कुछ सीखने की बात है, क्योंकि हमें अपने इतिहास से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और इतिहास लिखा भी इसीलिए जाता है कि आने वाली पीढ़ी उन गलतियों से सीखे और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए। इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए और आप हमारी वीडियो किसी तरह देखते रहें। हम आपको इन्हीं कुछ अनसुने तत्वों से अवगत कराते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें YouTube पर बताते हैं जो शायद आपको किसी ट्रैवल ब्लॉग में नहीं देखने को मिलेगी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। कैप्टन हीरोज ने जब झांसी की रानी को मारा था तब उसने कहा था कि ऐसी वीरता और सौंदर्य मैंने आज तक नहीं देखा। अगर वीरता हो तो ऐसी, जिसने मारा वह भी आपकी बड़ाई करे।